हेलो बच्चों, मैं आराधना वर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की पढ़ाई पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग प्राथमिक कक्षा यानी प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के लिए ग्रामर का पाठ वचन यानी नंबर पढ़ने जा रहे हैं। वचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। वचन क्या है इसके बारे में हम लोग चित्र और अभ्यास यानी उदाहरणों के द्वारा इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, चित्र देखिए और वाक्य पढ़िए। तो हमें चित्र को देखना है और उसके बाद वाक्य को पढ़ना है। तो आप चित्र में क्या देख रहे हैं बच्चों? यहाँ पर एक ही गमला है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गमले हैं। दूसरे चित्र में भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक खिड़की है और यहाँ पे एक से ज़्यादा खिड़की है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, नीचे में इस चित्र के बारे में क्या लिखा हुआ है। इस चित्र में लिखा हुआ है, चित्र के नीचे लिखा हुआ है, यह गमला है। इसके बारे में लिखा हुआ है, यह गमला है, एक ही है तो यहाँ पे गमला लिखा हुआ है। ये गमले हैं, एक से ज़्यादा है तो यहाँ गमला को गमले लिखा गया है। एक खिड़की है तो यहाँ पे लिखा है खिड़की खुली है। एक के लिए खिड़की शब्द का उपयोग किया गया है। एक से ज़्यादा खिड़की है तो लिखा हुआ है खिड़कियाँ खुली हैं, यानी खिड़की को यहाँ पे खिड़कियाँ कह के बुलाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर खिड़की एक से ज़्यादा है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, यह गमला शब्द एक गमले को सूचित करता है। तो यहाँ पर जो गमला शब्द था इससे हमें पता चल रहा था कि गमला बस एक ही है। गमले शब्द से एक से अधिक गमलों को सूचित करता है। ये जो गमले शब्द है, ये गमले शब्द से हमें क्या पता चला कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी एक से ज़्यादा गमले मौजूद हैं। इसी तरह खिड़की शब्द से एक खिड़की का बोध होता है। जब हम देखते हैं कि खिड़की लिखा हुआ है तो हमें पता चलता है कि इसका मतलब खिड़की एक ही है। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं और खिड़कियाँ शब्द से एक से अधिक खिड़कियों का बोध होता है, जब हम यहाँ पर खिड़कियाँ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है पढ़ने पर कि खिड़की एक से ज़्यादा है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो ये वचन का डेफिनेशन है बच्चों, ये वचन का डेफिनेशन हो गया, नंबर का हिंदी में, हिंदी ग्रामर में डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया परिभाषा? शब्द के जिस रूप से यानी वर्ड के जिस फॉर्म से हमें किसी भी चीज़ का एक है वो चीज़ या अनेक है इस चीज़ का हमें इंडिकेशन यानी बोध मिले, तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? उस वर्ड को हम वचन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे गमला एक शब्द था और ये गमला शब्द हमें बता रहा था कि गमला बस एक ही है। यहाँ पर गमले भी एक शब्द है, पर इस शब्द से हमें पता चल रहा था कि गमला सिर्फ एक नहीं, एक से ज़्यादा है। तो ये हमें कितनी संख्या में कोई वस्तु है ये शब्द हमें बता रहा है, एक है या अनेक है। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? ये वचन हैं, वचन वाले शब्द हैं। ये वचन हमें बताता है कि एक है वस्तु या एक से ज़्यादा है। हिंदी में दो वचन होते हैं। जब आप हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमेशा दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन वाले शब्द कौन कौन होते हैं? एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी वस्तु या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। तो हिंदी के ग्रामर में या हिंदी के वाक्यों में जब भी आप ऐसा कोई भी शब्द देखेंगे जिससे आपको सिर्फ एक ही या तो वो प्राणी है या एक ही वस्तु है या एक ही पदार्थ है, इस बात का आपको पता चल जाए उस शब्द को पढ़ने पे, तो इसका मतलब है वो शब्द एक वचन में उस वाक्य में मौजूद है। अगर कोई शब्द बहुवचन है तो हमें कैसे पता चलेगा? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि जब आप किसी भी वाक्य में देखेंगे कि कोई शब्द आपको ये बता रहा है कि जो भी वस्तु है या प्राणी है या पदार्थ है वो एक से ज़्यादा है, उस शब्द से आपको जब पता चले तो
तो वो शब्द इसका मतलब बहुवचन में मौजूद है। अब हम यहाँ एक वचन का कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि आप देखिए बच्चों, यहाँ पे एक वचन का उदाहरण गमला। गमला शब्द से हमें पता चलता है कि गमला एक है। खिड़की, लड़का, कुर्सी, इन सब सारे शब्द हमें बताते हैं, ये सारे के सारे शब्द, कि जो भी वस्तु है या जो भी प्राणी है वो एक ही है। यानी ये सब के सब एक वचन रूप में मौजूद हैं, सारे शब्द एक वचन के हैं। इसी तरह से बहुवचन का कुछ उदाहरण देखिए, गमले, खिड़कियाँ, लड़के, कुर्सियाँ, ये सारे शब्द हमें बता रहे हैं कि जो भी वस्तु है, चाहे वो गमला हो, खिड़कियाँ हो या फिर लड़के, ये सब एक से ज़्यादा हैं। तो यानी ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे शब्द बहुवचन के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, वचन बदलने से संज्ञा का रूप बदलता है। यानी कि जब आप एक वचन से किसी भी शब्द को बहुवचन में बदलेंगे, जैसे कि गमला से को आप गमले बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि संज्ञा का रूप बदल गया। गमला एक यहाँ पे संज्ञा था, नॉन वर्ड था, जिसको हम एक वचन से जब बहुवचन में चेंज किए उस संज्ञा शब्द को, तो गमले बन गया। गमले बन गया तो उसका फॉर्म यानी कि रूप जो है, जैसे हम लिखते हैं और बोलते हैं, उस फॉर्म में चेंज आ गया, उसके रूप रंग में चेंज आ गया, लिखने और बोलने में चेंज आ गया उस संज्ञा के। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर बच्चों, कुछ उदाहरण दिए गए हैं वचन के, एक वचन से बहुवचन का, और उसके पीछे आप कुछ रूल्स भी देखेंगे, क्या नियम है। जैसे कि कोई भी एक वचन का शब्द, जैसे कि तोता, बच्चा, बगीचा, घोंसला, कौआ, घोड़ा, दरवाज़ा, जुलाहा, ये सारे शब्द आप देखिए, बेटा, चरखा, पैसा, रुपया, पौधा, तिनका, तारा, चूहा, गाना, झूला, डाकिया, ये सारे शब्द आ की मात्रा के साथ शब्द हो रहे हैं खत्म, और ये सभी एक वचन के रूप में मौजूद हैं। इनको जब बहुवचन बनाया जाता है इन्हीं शब्दों को, तो क्या किया जाता है, वो आ की मात्रा ए की मात्रा में बदल जाता है। तोते, बच्चे, बगीचे, घोंसले, तो आ की जो मात्रा थी वो ए की मात्रा में बदल गया है। यहाँ आप देखिए, दरवाजे, तिनके, तारे, सब ए की मात्रा में बदल जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं एक दूसरा नियम। ज़्यादातर क्या होता है कि जब कोई भी, जब यहाँ पर आप देखिए, अ या आ की मात्रा दोनों ही, अगर वो शब्द अ की मात्रा से समाप्त हो जाते, जैसे कि भेर, तो भी भेरे बन जाएगा, लेकिन उसमें डॉट आ जाएगा। बात अ की मात्रा से ख़त्म हुआ है, तो बहुवचन बनने पर ये क्या हो गया, ए की मात्रा और ऊपर में एक डॉट आ जाएगा। यहाँ पर गाय अ की मात्रा से समाप्त हुआ है, तो यहाँ पर ए की मात्रा और साथ में एक डॉट आ जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो अ की मात्रा से अगर कोई भी एक वचन वाला शब्द है, यहाँ पर पुस्तक देखिए, इसमें भी ऐसे ही हुआ है चेंज। भैंस अ की मात्रा से समाप्त हुआ है तो ऐ बन गया। इसी तरह से जब कोई भी शब्द अ की मात्रा से समाप्त होगा और उसको हम बहुवचन बनाते हैं, तो आप देखिए हर जगह यहाँ पे बहुवचन बनाने पर वो ए की मात्रा और डॉट के साथ समाप्त हो जाता है जब बहुवचन बनता है। तो इसी तरह से बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ और उदाहरण आप यहाँ पर देखिए। अब अगर एक तो नियम था कि जब आ की मात्रा के साथ कुछ शब्द समाप्त होंगे, तो ए की मात्रा से उसे हम बहुवचन बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये नियम कुछ शब्दों पे लागू होता है। कभी कभी, जैसे कि ये शब्द है कविता, ये भी आ की मात्रा से समाप्त हो रहा है। पाठशाला आ की मात्रा से समाप्त हुआ। पत्रिका, माता, महिला, तो ये सारे जो हैं आ की मात्रा से। चिंता, माला, सेना, प्रतिमा, ये सब आ की मात्रा से समाप्त हो रहे हैं, लेकिन ये सब बहुवचन बनते समय ऐ हो जा रहे हैं। ए और ऊपर में चंद्र बिंदु। पाठशालाएँ, पत्रिकाएँ, माताएँ, सेनाएँ, मालाएँ, हवाएँ, दवाएँ, तो ये भी एक नियम है। कभी कभी एक वचन अगर आ की मात्रा से समाप्त होता है, तो बहुवचन में ऐसे समाप्त होता है। अब फिर देखिए एक और रूल, यहाँ पे रूल टूटते भी हैं, ये ज़्यादातर
व्याकरण के शब्दों में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए से हम रूल बोल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको एक्सेप्शन भी दिखेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक वचन रस्सी दीर्घ ई की मात्रा के साथ समाप्त हुआ, रोटी दीर्घ ई, बोली ली यानी दीर्घ ई। इसी तरह से आप देख रहे हैं सारे शब्द एक वचन के यहाँ पे ई की मात्रा से समाप्त हो रहे हैं, चाहे तो वो दीर्घ ई की मात्रा है या हर्ष ई की मात्रा है। जैसे यहाँ पे हर्ष ई है, यहाँ पर भी हर्ष ई की मात्रा है। तो ऐसे हालत में क्या होता है, जब एक वचन ई की मात्रा से समाप्त होता है तो बहुवचन बनते समय वो यहाँ के साथ समाप्त होता है, या और चंद्रबिंदु। आप देखिए ये सारे यहाँ पे यहाँ की मात्रा के साथ समाप्त हुए हैं। ये ज़्यादातर हिंदी के व्याकरण में इस तरह के नियम के साथ समाप्त होता है, पर कुछ एक्सेप्शन भी आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कुछ अभ्यास, और अभ्यास के द्वारा उस प्रश्न को सॉल्व करके वचन को और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। अब यहाँ आप देखिए बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों को उचित खानों से लिखिए। तो नीचे में क्या दिया गया है, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इसमें से एक वचन को एक वचन वाले खाने में लिखना है और बहुवचन वाले शब्द को बहुवचन में लिखना है। तो यहाँ से हम छांट कर लिख सकते हैं, घंटा, वृक्ष, बस, वहन, प्रार्थना, मिठाई, ये सारे एक वचन के शब्द हैं। बेटियाँ, गाड़ियाँ, सब्जियाँ, गायें, भाषाएँ और बकरियाँ, ये बहुवचन के शब्द थे। अब दूसरा अभ्यास आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए शब्दों के सही बहुवचन रूप पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर आपको एक वचन दिया गया है और चार ऑप्शन है, उसमें आपको बहुवचन में टिक का निशान लगाना है। तो मुर्गी, मुर्गी के लिए क्या हो जाएगा, मुर्गियाँ है, तो बहुत सारे ऑप्शन पर सही स्पेलिंग के साथ सिर्फ यही ऑप्शन सही है। उसके बाद आप देखिए बच्चों, ऋतु, ऋतु एक वचन है और यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास हैं। उस चार ऑप्शन में आप देखेंगे कि कौन सा स्पेलिंग यहाँ पे ऊ की मात्रा से समाप्त हो रहा है, इसलिए ये ऋतुएँ यानी ए की मात्रा से समाप्त होगा। आँख, ये अ की मात्रा से समाप्त हो रहा है, इसलिए ये ए और ऊपर में डॉट यानी आँखें से समाप्त होगा, बहुवचन बनेगा। अगला है पौधा, आ की मात्रा के साथ ये क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो आ की मात्रा के साथ समाप्त हो रहा है, तो इसे हम पौधे बोलेंगे बहुवचन में। पत्रिका, यहाँ पर ये भी आ की मात्रा के साथ समाप्त हो रहा है और ये पत्रिकाएं बहुवचन में लिखा जाता है। खिड़की, ई की मात्रा के साथ समाप्त हो रहा है और ये खिड़कियाँ लिखा जाता है। जब आप बहुवचन में दीर्घ ई वाली किसी भी शब्द को आप बदलते हैं तो वो बहुवचन बनते समय हर्ष ई की मात्रा में बदल जाता है और उसके बाद यहाँ आता है। यहाँ पे यही स्पेलिंग सही है, खिड़कियाँ ये गलत है, यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है। आगे दिया गया है बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। तो आपको बहुवचन दिया गया है यहाँ पे और इसका एक वचन लिखना था, तो झरने का एक वचन होगा झरना, रुपये का रुपया, दुकाने का दुकान, चिट्ठियाँ का चिट्ठी, तराजुएँ का तराजू, कहानियाँ का कहानी, तिनके तिनका, और नीतियाँ इसका एक वचन होगा नीति, औरतें का औरत, झोपड़ियाँ का झोपड़ी, मिठाइयाँ का मिठाई, और परियाँ बहुवचन का एक वचन होगा परी। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे नीचे दी गई पंक्तियों में एक वचन संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए तथा बहुवचन संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। तो जो एक वचन है उसे अंडरलाइन करना है और जो बहुवचन के शब्द हैं उसे सर्कल करना है। मेरा भारत देश, ये सारे एक वचन हैं। संसार के शब्द देशों, देशों बहुवचन है से अच्छा है। भारत में कई प्रदेश, ये बहुवचन का शब्द है। तथा भाषाएं हैं, ये भी बहुवचन का शब्द है। प्रत्येक प्रांत के निवासी, ये सारे एक वचन थे। दूसरे प्रांतों के निवासियों से स्नेह करते हैं, यहाँ के लोग अपनी अपनी भाषा बोलते हुए बाकी सब भाषाओं का मान करते हैं। तो यहाँ पर जिस जिसको हम लोग सर्कल किए हैं वो सारे बहुवचन के शब्द हैं, और अंडरलाइन जिसको किए हैं वो सब एक वचन के शब्द हैं। अब आगे आपको बताया जा रहा है बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि एक वचन से बहुवचन बनाते समय संज्ञा शब्दों का रूप प्रायः बदल जाता है, परंतु
कुछ संज्ञाएं ऐसे भी होती हैं जिनका एक वचन और बहुवचन रूप एक सा होता है। तो ऊपर हम लोग देखे थे बच्चों, गमला शब्द एक संज्ञा शब्द था लेकिन वो एक वचन में था। जब उसको हम बहुवचन में चेंज करते हैं उस संज्ञा शब्द को, तो वो गमले हो जाता था, यानी उसको बोलने और लिखने का रूप बदल जाता था। लेकिन कुछ ऐसे भी संज्ञा शब्द हैं जिनको कि हम एक वचन और बहुवचन में नहीं बदल सकते। तो नहीं बदल सकते हैं तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि वो संज्ञा शब्द एक वचन में अभी है वाक्य में मौजूद या बहुवचन में? तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस संज्ञा शब्द के आगे में नंबर लिखते हैं बताने के लिए कि वो एक वचन में है या बहुवचन में, हमें पता नहीं है इसीलिए हम उसके आगे संख्या लिखते हैं। जैसे कि बालक, बालक शब्द एक वचन में भी बालक होता है और बहुवचन में भी बालक। तो अब बालक एक है या तीन है हमें कैसे पता चलेगा, तो हम लिखेंगे एक बालक, तीन है तो तीन बालक। लड्डू वो एक वचन बहुवचन में लड्डू ही होता है, तो इसलिए अगर एक है लड्डू तो हम एक लिखेंगे और ज़्यादा है तो लिखेंगे कई बहुवचन के लिए। साधु एक वचन बहुवचन में एक ही होता है, तो अब अगर हमें इस साधु को बहुवचन में लिखना होगा तो हमें उसके आगे में लिखना होगा दो साधु, तीन साधु या अनेक साधु, तो ये बहुवचन शब्द बन जाएगा। और अगर हम उसके आगे एक देखते हैं तो इसका मतलब साधु अभी, साधु शब्द अभी एक वचन में है। ऐसे शब्दों के एक वचन और बहुवचन होने की पहचान उनके साथ आए अन्य शब्दों को देखकर की जाती है। जैसे कि उदाहरण यहाँ दिया गया है, एक बालक आया, तीन बालक आए, तो हम इस एक और तीन शब्द से पता करते हैं कि बालक शब्द एक वचन में है या बहुवचन में। एक लड्डू खाया, कई लड्डू खाए। एक साधु बैठा है, कई साधु बैठे हैं। तो हमें इसके आगे आने वाले शब्द बता रहे हैं कि इनका इस्तेमाल किस रूप में हुआ है, एक वचन में या बहुवचन में। यहाँ बालक, लड्डू, साधु शब्द एक वचन और बहुवचन में समान है, लेकिन उनके वचन बदलने से क्रिया का रूप बदल गया है। तो बच्चों आप देखिए कि ये एक वचन और बहुवचन में जब थे तो उनके साथ जो क्रिया यानी वर्ब वर्ड यूज हुआ था, एक्शन वर्ड यूज हुआ था, उसका फॉर्म चेंज हो गया। जैसे कि जब एक ही एक वचन बालक की बात कर रहे थे तो हम आया क्रिया का शब्द इस्तेमाल कर रहे, जब तीन बालक बोले तो आए हो गया वह क्रिया। एक साधु के बारे में हम बोल रहे थे तो बैठा बोले, बैठा है क्रिया, बैठा है। और यहाँ पर कई साधु की जब हम बात कर रहे हैं तो क्रिया शब्द हम बोल रहे हैं बैठे हैं। तो इन सब को देखकर हमें पता चल जाता है कि वाक्य एक वचन में है या बहुवचन में है। एक वचन और बहुवचन में एक ही रूप में रहने वाले कुछ शब्द, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं जो कि हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में उनका रूप नहीं बदलता, उनके आगे हमें एक, दो या अनेक इन तरह के शब्द को लगाकर उन्हें बहुवचन में बदलना होता है या एक वचन में रखना होता है। जैसे कि आदमी, पलंग, भाई, पुत्र, पानी, पेड़, चावल, आम, गिलास, किसान, पत्थर, मकान, घर, हाथी, पर्वत, गीत, मोर, दिन, हाथ, तालाब, दांत, गांव, मजदूर, खेत, फूल, फल, बंदर, कमल, बादल, मैदान, सागर, सैनिक, आंसू, मोती, मंदिर, नेता, पिता, सिपाही आदि। तो ये सारे शब्द एक वचन और बहुवचन में एक ही जैसे रहते हैं, इनका रूप नहीं बदलता, इनका फॉर्म नहीं बदलता लिखने या बोलने का। इसके आगे हम कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हैं जिससे कि हमें पता चलता है ये एक वचन में है या बहुवचन में। अब आपको अभ्यास फिर दिया जा रहा है, रंगीन शब्दों को बहुवचन में बदल कर और आवश्यक परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे कि कहानी अच्छी है, कहानी रंगीन है, यहाँ पर इसे हमें बदलना है बहुवचन में। और जब वो बहुवचन में होगा तो उसके साथ जो एक्स्ट्रा वर्ड आए हैं वो भी चेंज होंगे उसी के फॉर्म के अनुसार, बहुवचन के अनुसार, उसे भी हमें प्लूरल में चेंज करना होगा। तो कहानी अच्छी है, यहाँ पे कहानी को हम कहानियाँ बोल दिए, तो अच्छी हैं हो गया, पहले था अच्छी है। अब यहाँ एक वचन में है, नदी बहती है, इसे हम नदी को अगर हमें बहुवचन में बदलना होगा तो हम लिखेंगे नदियाँ, और उसी तरह से बहती हैं जो सहायक जो शब्द हैं उस वो भी बदल जाएंगे। लड़की पढ़ती है, यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती हैं, पौधा सूख गया, पौधे सूख गए, यह कमरा है, ये कमरे हैं, छुट्टी खत्म हो गई, छुट्टियाँ खत्म हो गई, छुट्टी को हम छुट्टियाँ में चेंज किया। तो बाकी सारे शब्द में भी चेंजेज आ जाने चाहिए ज़्यादातर केस में, पर कभी कभी
वो सेम टू सेम भी रहेगा, यहाँ पर डॉट आ जाएगा सिर्फ गई। बंदर वृक्ष पर बैठा है, बंदर वृक्ष पर बैठे हैं। अब यहाँ पर बंदर और वृक्ष सेम टू सेम है, क्योंकि बंदर एक वचन और बहुवचन में नहीं बदलता ये नाम। लेकिन हैं शब्द हमें बता रहा है कि ये जो वाक्य है ये बहुवचन में है, एक से ज़्यादा बंदर वृक्ष पर बैठा हुआ है। खेत में खेत में गाय चर रही है, खेत में गायें चर रही है। लड़का बगीचे में खेल रहा है, लड़के बगीचे में खेल रहे हैं। गरम पूरी बन रही है, पूरी को हम बहुवचन में लिखेंगे पूरियां। नौकर बाजार जा रहा है, नौकर बहुवचन में भी नौकर ही होता है। तो हमें अब कैसे पता करना होगा, यहाँ हैं शब्द हमें बता रहा है कि एक से ज़्यादा नौकर है। अब यहाँ पर आगे क्या बोला जा रहा है, कोष्टक में दिए गए शब्दों के बहुवचन से रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर डाकिया एक वचन था, उसको हो जाएगा डाकिये पत्र बांटते हैं। महिला महिलाएं बैठी हैं। बिल्ली बिल्लियाँ चूहे पकड़ती है। बकरी बकरियाँ घास खाती हैं। दवाई दवाइयाँ खरीद लाओ। गहना माताजी के पास बहुत से गहने हैं। इस तरह से हम एक वचन से बहुवचन में बदल रहे हैं। सिपाही सिपाही कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यहाँ पर सिपाही का फॉर्म नहीं बदला, लेकिन हैं शब्द हमें बता रहा है कि ये वाक्य बहुवचन में है। चोट उसे कई चोटें आई हैं। बगीचा हमारे शहर में कई बगीचे हैं। आँख दीदी की आँखें डबडबा गईं। अब खाली स्थान में उचित शब्द लिखिए। तो मेज पर बहुत सी पड़ी हैं तो यहाँ पे बहुवचन वाला शब्द किताबें होगा। मेज पर क्या दुकान किताबें ही रह सकते हैं ना, दुकान तो मेज पर रह नहीं सकते हैं टेबल पे। तो यहाँ पे हम किताबें शब्द को सिलेक्ट किए। मनीषा की माताजी उसके साथ गई हैं, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ से स्त्रीलिंग शब्द को सिलेक्ट करना है। बाजार में कई बंद थीं, तो कुर्सियाँ तो बंद नहीं हो सकती हैं, तो हम यहाँ पर दुकानें सेलेक्ट करेंगे, दुकानें बंद थीं। सुबह सुबह बांग देता है, तो यहाँ पर देता है यानी हमें यहाँ पे पुलिंग वाला शब्द को इसमें से सेलेक्ट करना है, तो मुर्गा पुलिंग है। सर्दी में दिन छोटे और लंबी होती हैं, तो क्या लंबी होती हैं, दिन की बात हो गई तो उसका अपोजिट होगा रातें लंबी होती हैं। धोबी मिट्टी धो रहा है तो नहीं हो सकता, तो हम क्या बोलेंगे, धोबी कपड़े धो रहा है। बहुत से ने खेलकूद में भाग लिया, तो खेलकूद में कौन भाग लेते हैं, बच्चे ही प्रायः भाग लेते हैं, तो यहाँ पर हम बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। बहुत से बच्चों ने खेलकूद में भाग लिया। आगे है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में वचन संबंधी दोषों को दूर कीजिए। तो जो वाक्य था इसमें कुछ नंबर से रिलेटेड दोष है, उसे हमें मिस्टेक को हमें ठीक करके फिर से लिखना है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है, सारे बच्चा मैदान में हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इसको हम सही तरीके से कैसे बोलेंगे, सारे बच्चे मैदान में हैं। ये सारे शब्द प्लूरल है, तो बच्चा नहीं होगा बल्कि बच्चे होगा। मेरे पास कई खिलौना है, तो कई शब्द हमें बता रहा है कि ये प्लूरल फॉर्म में है, तो जबकि खिलौना तो सिंगुलर है, तो हम कैसे लिखेंगे, मेरे पास कई खिलौने हैं। आकाश में अनगिनत तारा है, अनगिनत सब प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ तारा तो यहाँ पर सिंगुलर हो गया एक वचन, तो हम कैसे लिखेंगे, आकाश में अनगिनत तारे हैं। मेरी चार बहन है, तो चार शब्द प्लूरल हो जा रहा है, तो बहन नहीं होगा बल्कि बहने होगा, मेरी चार बहने हैं। भैया ने बहुत सी शब्द प्लूरल को बता रहा है, तो यहाँ चीज नहीं होगा चीज़ें होगा, भैया ने बहुत सी चीज़ें खरीदी। पंडित जी ने कथा भी सुनाई, तो यहाँ पर क्या होगा, पंडित जी ने कथा भी सुनाई। पंडित जी तो एक ही आदमी है ना, सिंगुलर है, तो यहाँ पर डॉट नहीं आना चाहिए सुनाई के ऊपर में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पंडित जी ने कथा सुनाई, बिना डॉट का सुनाई होगा। वहाँ कौआ काँव काँव कर रहे हैं, तो हैं यानी कि प्लूरल, कौआ का प्लूरल होना चाहिए था, तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ कौवे काँव काँव कर रहे हैं। घर में बहुत चूहे हो गए हैं, तो चूहा शब्द का ये प्लूरल चूहे है, यहाँ पर हैं आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग सही करते समय यहाँ क्या करेंगे, घर में बहुत चूहे हो गए हैं, डॉट लगाएंगे प्लूरल के लिए।
ठंडी हवा चल रही है, तो यहाँ पे ठंडी हवा, ये तो सिंगुलर फॉर्म में है ना, हवा, हवाएं तो नहीं है, हवा है, एक वचन है, तो यहाँ पे प्लूरल नहीं होना चाहिए क्रिया, तो इसको हम सिंगुलर करेंगे ठीक करके। ठंडी हवा चल रही है। अध्यापिका जी ने हमें 3 कविता सिखाई, तो यहाँ पे 3 कविता सिखाई यानी प्लूरल है, तो हमें लिखते समय क्या करना, सही करते समय 3 कविताएं करना है। अध्यापिका जी ने हमें 3 कविताएं सिखाई। अब वचन के बारे में एक नई बात जानने के लिए नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। तो हमें क्या नीचे बताया जा रहा है, वचन के बारे में एक नया इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, क्या है वो? गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं, पंडित नेहरू बहुत बड़े नेता थे। तो यहाँ पर बच्चों देखिए कि गुरुजी एक ही आदमी है, पर यहाँ पर हैं लिखा गया है, पिताजी एक ही आदमी है, एक वचन में है, लेकिन यहाँ भी हैं लिखा गया है, पंडित जी एक ही पंडित जी नेहरू जी थे, पर यहाँ पर थे प्लूरल लिखा गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है? आइए बता रहा है यहाँ पर नियम। आप जानते हैं कि गुरुजी पंडित नेहरू एक वचन के शब्द हैं, किंतु उनका प्रयोग बहुवचन की तरह हुआ है। बहुवचन की तरह हैं और थे क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यहाँ बॉक्स में आपको इसका नियम बताया गया, हिंदी ग्रामर में इसके लिए एक नियम है। क्या नियम है? आदर देने के लिए, यहाँ गुरुजी, पिताजी और पंडित नेहरू सभी ही बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं, बड़े हैं, तो उनको हमें क्या करना है, आदर देने के लिए, तो उनको आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन की क्रिया यानी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हम हिंदी में किसी बड़े आदमी की बात करते हैं, रेस्पेक्टेड आदमी का, तो भले ही वो एक ही एक वचन में मौजूद हों, पर उसके साथ हम क्रिया का उपयोग बहुवचन वाला ही करते हैं, ताकि उनको हम रेस्पेक्ट दें। अब आगे क्या बोला जा रहा है फिर बच्चों? विशेष, कुछ सर्वनाम शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन दिए जा रहे हैं। अब जो प्रोनाउन, जो सर्वनाम होते हैं हिंदी में, जैसे कि हम लोग पिछले ग्रामर में पढ़ चुके थे, ग्रामर की वीडियो में, जैसे यहाँ पे एक वचन वाले कुछ सर्वनाम हैं, मैं, तू, तुम, आप, वह, इन सब से एक ही व्यक्ति का बोध होता है इन सर्वनाम शब्दों से। और कुछ बहुवचन वाले सर्वनाम शब्द हैं, प्रोनाउन वर्ड हैं, जैसे कि हम, तुम, सब, तुम सब, तुम लोग, आप सब, आप लोग, वे सब, ये शब्द जब हम सर्वनाम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब हम एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको अभ्यास दिया गया है, फिर से हैं, है या हैं लगाकर वाक्यों के खाली स्थानों को भरिए। तो कहाँ पर है क्रिया लगेगा और कहाँ पर प्लूरल या रिस्पेक्ट देने वाला हैं लगेगा, इसको आपको सही से भरना है। गुरुजी आए हैं, गुरुजी रेस्पेक्टिव हैं, तो यहाँ हैं लिखेंगे। कहानी अच्छी है, एक वचन शब्द है कहानी, तो यहाँ है लिखेंगे। तोते मिर्च खाते हैं, तोते शब्द बहुवचन है, तो यहाँ हम हैं लिखेंगे। माताजी एक रेस्पेक्टिव वर्ड है, इसलिए हम यहाँ पर एक वचन होने पर भी हैं लिखेंगे रेस्पेक्ट देने के लिए। सड़क लंबी है, सड़क यहाँ पर एक वचन शब्द है, इसलिए है लिखेंगे। चिड़िया चहक रही हैं, अब यहाँ पर चिड़िया शब्द बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पे हैं लिखेंगे। लड़के, लड़के बहुवचन है, तो लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, हम यहाँ पर बहुवचन के लिए हैं लिखेंगे। बच्चा चुप बैठा है, बच्चा शब्द एक वचन है, तो यहाँ हम हैं लिखेंगे। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। अगर आपने पिछले किसी भी वीडियो को मिस किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक उपलब्ध है, आप उसे क्लिक करके ग्रामर की किसी भी पाठ को मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बच्चों, अगर आप नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए आपको बेल आइकॉन को भी क्लिक करना होगा, ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।